दोस्तों दूसरे वनडे में शानदार जीत के बाद भी भारतीय टीम के कोच और कप्तान ने तीसरे वनडे की प्लेइंग 11 में करा महाप्रयोग। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी और तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम की नई और खतरनाक क्या होने वाली है प्लेइंग 11, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया तीसरा वनडे जीतकर न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस समय भारत और न्यूजीलैंड के बीच ओडीआई श्रृंखला खेली जा रही है, जहां इसका पहला मुकाबला टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 12 रनों के बड़े अंतर से हराया था, तो वहीं दूसरा मुकाबला 21 जनवरी को रायपुर के मैदान पर खेला गया। तो इस मुकाबले में टीम इंडिया ने फिर न्यूजीलैंड की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। जी हां दोस्तों, अगर ऐसे में बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 24 जनवरी को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में खेले जाने वाला है, तो ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि आखिरी मुकाबला जीतकर अपनी लाज बचाई जाए। तो वहीं कोच और कप्तान चाहेंगे कि इस सीरीज में जीतकर न्यूजीलैंड की टीम को 3-0 से क्लीन स्वीप किया जाए, और इसलिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में और इसलिए भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 का कर दिया है ऐलान। तो वहीं जानते हैं क्या है तीसरे वनडे के लिए क्या होने वाली है प्लेइंग 11। तो वहीं ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में जहां रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल आए थे, तो अब ऐसे में रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल होंगे। तो वहीं 3 नंबर पर विराट कोहली होने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों नंबर 4 पर ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन अब ऐसे में ईशान किशन की जगह पर सूर्य कुमार को मौका मिलेगा। तो वहीं नंबर 5 पर एक बार फिर विकेट कीपर बल्लेबाज किशन होने वाले हैं। तो वहीं नंबर 6 पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या होंगे। तो दोस्तों वहीं नंबर 7 पर एक और ऑलराउंडर बैसिंगटन सुंदर होंगे। जी हां दोस्तों, वहीं नंबर 8 पर सरदुल ठाकुर की जगह पर इमरान मलिक को मौका मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, तो वहीं नंबर 9 पर मोहम्मद शमी, जिन्होंने दूसरे वनडे में कमाल की गेंदबाजी की। तो वहीं नंबर 10 पर बता दें कि एक बड़ा बदलाव होगा, जहां पर कुलदीप यादव नजर आए, तो अब ऐसे में कुलदीप यादव की जगह पर युवेंद्र चहल को इस वनडे मुकाबले में मौका मिलने वाला है। तो नंबर 11 पर मियां भाई मोहम्मद सिराज होने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस प्लेइंग 11 के बारे में, और ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या तीसरे वनडे में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।